क्या हाल है भाई? राम राम सभी को। इस टाइम पे मैं सुंदरपुर हूँ, ठीक है, और अभी मेरा मन हुआ है पनीर कुलचा खाने का। मेरे साथ अंकित जी हैं, बहुत ही भूख लगी थी पनीर कुलचा में, बहुत टाइम से मेरा मन था खाने को और मुझे पता नहीं वो कहाँ मिलता। बहुत एक दिन तो मैं बहुत खोज रहा था सिकरा साइड पर, तो इन्होंने बताया मैं देखा हूँ लेकर चलता हूँ। मैं कहा चलिए चला जाए अभी तुरंत यहाँ पर सुंदरपुर है, कुछ काम थोड़ा सा, बस यहाँ से तुरंत निकलेंगे, जाएंगे सिकरा और सिकरा पर मैं खाऊँगा पनीर कुलचा। और काफ़ी फेमस है वहाँ का पनीर कुलचा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप भी देखिए वीडियो को, पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है गाइस। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं सिकरा, चलते हैं फिर वहाँ। बनारस में ये है ना, कहीं भी कुछ भी खा लो सब आपको टेस्टी मिलेगा, सब चीज़ का तो एकदम अलग ही मज़ा है, अलग ही स्वाद है, अलग ही स्वैग है हर एक दुकान का, हर एक जगह का। इसलिए तो बनारस बनारस है, नाम में ही रस है, क्यों ब्रो? यस, ये देखिए ये भी काफ़ी फेमस हट्टी है, सुंदरपुर हट्टी। अब निकलना है यहाँ से सिकरा हम लोग। भाई यार मैं पहुंच चुका है यहाँ पे, मैं इस समय सिकरा पे हूँ और मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे ये TVS का शोरूम है, ठीक है। TVS के शोरूम के ठीक सामने यहाँ लगाते हैं पनीर कुलचा। नाम क्या है इनका? राजू भाई की पुरानी दुकान, ठीक है। दो यहाँ पनीर कुलचा लगता है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। दो दुकान यहाँ लगता है। अब यहाँ का खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत काफ़ी नाम सुने अब, 500 बार तो यहाँ से भाई आते जाते, लेकिन ये है कि अभी नज़र ही नहीं गया इधर, तो आज मूड हुआ कि यार खाते ही हैं, आज ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो आइए देखते हैं भैया, थोड़ा जानते हैं पहले क्या है, कितने का, कितने पीसेस हैं, क्या क्या रखते हैं भैया आप? आलू कुलचा है, पनीर कुलचा। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, पनीर कुलचा कितने का है? पनीर कुलचा कैसे? 60 रुपये प्लेट है। कितने पीस रहते हैं उसमें? दो पीस रहता है एक प्लेट। दो पीस रहता है, और क्या बताएं उसके अलावा? छोले भटूरे 30 रुपये प्लेट। आलू कुलचा भी बताया ना, 40 रुपये प्लेट है। तो ये क्या बन रहा है अभी इसमें भट्टी में? नहीं, अभी क्या लगा है इसमें? आलू कुलचा। ये आलू कुलचा भी है? आलू है, पनीर कुलचा है। ये देखिए गाइस, इसमें जो भी लगा है आलू कुलचा पनीर कुलचा, ये अभी गरम गरम निकालेंगे। हाँ हाँ भैया, दो प्लेट मेरा पनीर कुलचा कर दीजिए। हाँ खाएंगे। ये देख रहे हैं भीड़ लगी रहती गाइस इसी तरह यहाँ पे। गर्मा गर्म ये पनीर कुलचे। हाँ 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 हाँ, इसमें दोनों लगा हुआ है, पनीर आलू दोनों लगा है ना। कब से लगाते हैं? कितने कितने में से लगाते हैं? टाइम क्या आपका? साढ़े पाँच बजे तक। कितने समय से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, पहले यहीं लगती थी और कहीं लगती दुकान? यही लगती थी। यही लगती थी दुकान? कितना समय हो गया होगा? काफ़ी साल हो गए। 17 साल हो गया ना, 17 साल पुरानी दुकान है। और मैं देखिए यहाँ पे हूँ, ये है मेरे सामने TVS का शोरूम है, ठीक है। बगल में ये KFC है, KFC के ठीक बगल में यहाँ लगता है। ये किसका? अच्छा भाई, ये है मेरा पनीर कुलचा। इसमें भी एक ही पीस है? अच्छा, एक और देंगे। आइए अंकित जी, क्या है? पनीर कुलचे हैं आपका, देखिए छोले हैं, इधर अनियन है, लेमन है, इधर मेरा भी है। हाँ, इनका भी आ गया। अब अचार है, कौन सा खा के देखना पड़ेगा। भाई ये है मेरा गर्मा गर्म पनीर कुलचा, अब इसको खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। अरे इतना सॉफ्ट है ना ये, इतना सॉफ्ट है पूरा, एक नंबर मेरे। ये देख रहे हैं इसी में पूरा पनीर आ गया है, मतलब हाथ में पूरा पनीर आ गया।
पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या ही बोले इसके बारे में, कितना टेस्टी है। छोला दे दीजिए। अब ये मेरा फाइनल है। नहीं बस जा रहे हैं, ये कह रहे सुनो, यार ऊपर से भी मक्खन लगा है ना यार, अनहेल्दी है थोड़ा, बट ये कभी कभी चलता है। छोला कुलचा, पनीर कुलचा खा लिया गया, लेकिन मज़ा आ गया। तो मेरे साथ हैं रवि भाई, हैं इसी शॉप पे रहते हैं। इनकी दुकान का नाम क्या है? रवि भाई की बनाया दुकान, बहुत फेमस दुकान यहाँ पे। तो चलिए कुछ कुछ चीज़ जानते हैं भैया, क्या क्या चीज़ रखते हैं? आलू कुलचे है, पनीर कुलचे है, छोले भटूरे है, छोले चावल है। सबका रेट अलग अलग है। सब छोला भटूरा कितना? 30 रुपये प्लेट। 30 रुपये। और आलू चावल? आलू वाली 40 रुपये प्लेट है, पनीर वाली 60 रुपये। 60 रुपये प्लेट है। दो पीस रहेगा सब में, दो पीस रहेगा छोले रहेगा। छोला तो इनका बहुत टेस्टी है, बिल्कुल भी तीखा नहीं रहता। चावल है हाफ 25 रुपये हाफ है। तो वो दुकान जो वो भी आपकी है, ये दुकान आपकी है? 60 रुपये काट लीजिए इसमें। कितना समय हो गया दुकान को? दुकान का हो गया 17 साल। 17 साल से गाइस ये दुकान चल रही है और ऐसे ही भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। राजू भाई के नाम से दुकान चलती है, राजू भाई की दुकान। अब हम भी पहली बार हैं, कितने बार इस रास्ते जाते हैं, तो हमको लगता है इधर के जितने भी लोग हैं ऑफिसर जो भी वर्क करते हैं सबका नाश्ता इधर ही से होता है। हाँ, तो भैया कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुलती है? सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:30 बजे मतलब आएंगे, रेडी सब मिल जाएगा? पूरा रेडी है, तैयारी पहले से करते होंगे। तो आपकी और भी कोई दुकान है कि बस यही है? और एक दुकान है इसके सामने कन्हैया जोले के नीचे है। किस चीज़ की दुकान है? किस चीज़ की दुकान है? वो बाटी चौके की। अच्छा, बाटी चौके की दुकान है। अच्छा, कई सारे मतलब खाने में पूरा आप लोग एकदम तहलका मचाए हुए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। तो गाइस यार मज़ा आ गया खाना खा के। हाँ, पनीर कुलचा बहुत दिन से मेरे को खाना है, पूरे पेट भर गया, पेट भर गया, दो कुलचा में पेट भर गया। मैं साथ अंकित जी भी थे, इनसे मैं पूछा कहाँ लगा था यार। मैं दिन भर पहले सिगरेट पी रहा था, लेकिन अब मुझे लगता खाली यहाँ छोले भटूरे बिकते होंगे, लेकिन पनीर के पीछे पनीर कुलचा भी यहाँ पे, और खाया मज़ा आ गया गाइस। तो पनीर कुलचा अगर ट्राई करना है बनारस में है तो मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ, सिंपल सा सिगरा चौराहे पे आना है, कुछ नहीं है। सिगरा चौराहे पे आइए, मेरे ठीक पीछे यहाँ KFC है, KFC के जस्ट बगल में लगाते हैं, TVS शोरूम के ठीक सामने, जब सुमंगल भी है उसके ठीक सामने यहाँ लगाते हैं। आपको भीड़ दिख जाएगी, दो स्टॉल यहाँ लगे रहते हैं, भीड़ लगी है, भीड़ देख रही मेरे पीछे। हाँ, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिंह राम।